स्वीटी वालिया जी की जो बेटियां हैं, अपने आप में उन्होंने एक देखा जाए तो इतिहास कायम किया है टेलीविजन इंडस्ट्री में। तारा सतारा भी उनका सीरियल ऑन एयर है, मेरी तो बेटी ही है रोशनी वाली है, तो जब इतनी छोटी थी तो गोदी में खिलाया हमने उसको, और हम लोगों के बड़े पारिवारिक ताल्लुकात रहे हैं। मैं भी क्योंकि रहने वाला आगरा का हूँ और स्वीटी इलाहाबाद में है की रहने वाली है, मेरे फादर लॉ वहाँ पोस्टेड थे इलाहाबाद में, ही वॉज अ डिस्ट्रिक्ट सेंसेशन जस्ट देयर, और वहाँ पे ये वहाँ एक एकेडमी रन करते थे बहुत बड़ी डांस एकेडमी, तो वहीं हम लोगों की मुलाकात हुई दो तीन बार, कई फंक्शन से मुलाकात हुई, और तब से ये रिश्ता आवाज चला रहा है। मेरे ख्याल से आज तो बहुत पुराने और हमारे फैमिली ताल्लुकात हैं, और हमेशा मैं जब भी याद करता हूँ तो सब खड़े हो जाते हैं मेरे साथ, मैं इसके लिए बड़ा हृदय से बोला करो प्लीज की स्वीटी को मैं बचपन से जानता हूँ, अब जवान हूँ। बचपन से जानता हूँ। सबने सब कुछ बोल दिया, मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, बस सीरियस कुछ नया बोल दो आप। नई कविता नहीं, जो सर ने बोला वो मेरे थॉट चल रहे थे दिमाग में कि आप जब किसी को सम्मानित करते हो, लाइक जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं और उनका रिजल्ट आता है तो उनका एक परिणाम होता है कि नहीं मैंने इतना मेहनत किया तो ये मेरा फल है, तो ये बहुत बड़ी बात है जब जिन लोगों ने मेहनत किया है और उनको आप सम्मानित करते हो किसी चीज़ से, तो उनको जो खुशी और जो उनको अच्छा फील कराते हैं सर, तो वो बहुत बड़ी बात है और इनकी वजह से हो पाता है। और भी लोग हैं जो अवार्ड वगैरह, तो उनके लिए भी मैं बहुत दिल से बोलना चाहूँगी कि ऐसा होना चाहिए कि आप किसी को जिसने भी मेहनत किया है लाइफ में उसको उस चीज़ से सम्मानित होना चाहिए कि आप उसका रिजल्ट मिलना चाहिए उसको। इसमें मैं एक चीज़ बस जोड़ूंगी कि इसमें आई थिंक योगेश के लिए वी मस्ट ऑल क्लैप। नहीं, वो कर चुके हैं हम लोग, एक और बार कर दिया। मैं मिस कर दिया अभी जो आपने बोला कि लोगों को खुशी होती है, बट योगेश इज ऑलवेज देयर टू हेल्प एवरीवन, मतलब अपनी तरफ से कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, तभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत संभव हो पाता है। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, ही इज अ मैन ऑफ विजडम। या आई नो, बट इनको तो बिना बताए कुछ रख लो, तो भी इनवाइट कर लो तो बोलेंगे अच्छा ब्राइट में रखा, आ जाओ। इतने सज्जन आदमी, वेरी वेरी अब ये तो सरप्राइज हो सकता है। हम तो भाई अब कविता की फिल्म रिलीज होने वाली है, स्टार बन जाएगी, उसके बाद जैसा मूड पे डिपेंड करता है। भाई देखिए, मेरे तो स्टारों से ऐसे संबंध हैं, अब इनसे इनका मूड कैसा रहता है ये पता लगेगा अभी, तो इसलिए मुश्ताक भाई ने बोला ना कि नई कविता, अभी नई नई है, नई कविता अभी से कॉन्ट्रैक्ट करके रखो, तीन फिल्मों का। हेलो, अभी मैंने बोला तुम बहुत शरीफ हो, ये कॉन्ट्रैक्ट इनके लिए बोला, मेरे लिए नहीं। सर आप कहेंगे सर? एक्चुअली मैं दुष्ण जी से एक साल से जानते हैं, बट ऐसा लगता है कि कई सदियों से जानते हैं। इनका नेचर इतना अच्छा है कि मतलब पता ही नहीं चलता कि टाइम का इनके साथ। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगी कि जैसे कि सर ने कहा कि सुमरी में इतना काम करते हैं और अचानक एक महीने के बाद आएंगे और मुझे लैपटॉप लेके घर पे कि प्रदीप भाई मैंने ये सब कर लिया, जो हम इतना टाइम लगा लेते हैं घर का काम नहीं कर पाते, वो बाहर की फिल्म से इतने इजीली वे में करते हैं और इतनी एनर्जी के साथ करते हैं। आई एम एनर्जी हीलर, बट मुझे कभी कभी लगता है कि इनसे एनर्जी लेनी चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत ही सरल वे में सेट पर भी मैं देखता हूँ कि इतना प्रेशर होने के बाद भी द वे ही कंडक्ट्स एवरीथिंग विच इज़ अमेजिंग। और मैंने काफ़ी काम किया इनके साथ, इनका एक टीवी शो में सोनोपात में मैं था, तो एवरीथिंग ही डज विथ लॉयल्टी एंड हार्ड, मतलब हम घर वालों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते कभी कभी। और ये 50 लोग ढूंढ के पूरे इंडिया से पूरे वर्ल्ड से ढूंढ ढूंढ के लोगों को लेके आके अप्रिशिएट करते, बहुत बड़ी बात है। हम अपने घर वालों को कभी कभी अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। एंड ही हैज़ दैट लव फॉर एवरीवन दैट एवरीबॉडी शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक दिस अप्रिसिएशन। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल पर्सन इन माय लाइफ। थैंक यू। प्रदीप भाई अंतर्राष्ट्रीय कॉस्मिक हीलर हैं और इनका साथ, इनकी दोस्ती बड़े सम्मान की बात है हम लोगों के लिए, और हम लोग बड़े दिल से जुड़े हुए हैं और कई काम हम लोग साथ करते हैं, तो मैं अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रदीप भाई। हाँ सर, दुष्यंत भाई के साथ मैं कुछ 5-6 सालों से हूँ और उनके हर अवार्ड फंक्शन का एक हिस्सा रहा हूँ, और जैसा कि आप लोग ने सुना काफ़ी इनके बारे में, तो एनर्जी में तो नो डाउट सर का बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि उनसे एनर्जी लेना चाहिए, क्योंकि आई हैव सीन हिम काफ़ी हज़ारों किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं इस अवार्ड के लिए, और
इतने बड़े बड़े लोग जैसा योगेश भाई ने खुद अपनी फरमाइशेज में ये हमें ऑनर किया है यहाँ पे आप लोगों को बुलाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि इनका ऑरा क्या है, क्योंकि योगेश भाई ऐसे इजीली अवेलेबल बंदे नहीं है और खुद उनके प्रमाइसेज में ये चीज़ हमें करने के लिए मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। मुश्ताक भाई से मैं कुछ 9-10 सालों से जानता हूँ, इन्हें भी हम लोगों ने साथ में मूवी की है, पंकज भैया के साथ में इंटरव्यू कर चुके हैं वो मेरा, तो इतने बड़े बड़े लोग जब दुष्यंत भाई के लिए साथ में आते हैं तो मुझे तो एक बड़ा गर्व महसूस होता है जब दुष्यंत भाई मुझे इन सब लोगों के बीच में बिठा के। देखो ये बात ऐसा शख्स कह रहा है जो इतनी बड़ी फिल्म का हीरो रहा है, बी केयरफुल कितनी बड़ी फिल्म थी, तनीषा मीन जैद इज डूइंग अमेजिंग वर्क, फिर इनका अभी तो प्रोड्यूसर साहब बन गए हैं, बट फिर भी दुष्यंत भाई के लिए और आप सब लोगों के लिए, जैसे उनके लिए छोटा भाई हूँ, मुश्ताक भाई के लिए छोटा भाई हूँ, वैसा हमेशा रहूँगा। मेरे लिए नहीं हो छोटे भाई, आपको बोला भी नहीं है। देखिए मुझे जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे लगा था पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, और वो एक कैसे हो गया मुझे खुद नहीं मालूम। जैद उसके गवाह हैं, पहले सीज़न में साथ थे, पंकज भाई उसके गवाह हैं, हम लोग मिले थे कैलाश पर्वत में और पूरा एकदम मैं पसीने पसीने पूरा सारा, मुश्ताक भाई गवाह हैं, मैं घर पर गया इनके, मैंने कहा नहीं मुझे अभी आना है तुरंत, और तब इतनी इंडस्ट्री के लोग मेरे साथ खड़े हो गए थे और आप खुद गवाह हैं उस बात के, कुछ पत्रकार मित्र शायद नहीं थे, कि मैंने उस फिल्म में डर के मारे 100-150 लोगों को आमंत्रित कर दिया इंडस्ट्री के, और वो सारे ही लोग आ गए तो मेरे पास बैठाने के लिए जगह ही नहीं थी। अब ऐसे ऐसे लोग वहाँ से वापस चले गए थे बिना बैठे, जगह ही नहीं थी, जो बाद में मुझे लगा अब कैसे मैं अपोलोजाइज करूँ, नाम तो मैं नहीं लूँगा उनका, मैं शुक्रिया और उन्होंने बुरा नहीं माना, दूसरे दिन मैं सबके घर गया, तो उसके बाद मैंने फिर ये गलती नहीं दोहराई, और तब से ये मुझे इतना इतना प्यारा, इतने दिल के करीब है मेरे अवार्ड फंक्शन, कि मैं जैसे ही समय आता है हम लोग तुरंत अनाउंस कर देते हैं और ये सारी चीज़ें बड़े आराम से हो जाती हैं। डेट 14 फरवरी, पता है वैलेंटाइन डे। देखिए वैलेंटाइन हमने इस्कॉन में रखा है, बिहारी जी के चरणों में, बिहारी जी तो स्वयं प्रेम का प्रतीक है, और हम लोग शायद प्यार दिवस पे हम लोग शायद इतना प्रेम स्प्रेड करेंगे, हम ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे तो हमारा प्यार है उनके प्रति, तो प्यार दिवस पे प्यारी तो बांटना है, तो ये वैलेंटाइन डे पे यकीन मतलब ये ऑटोमेटिकली हो गया कि हमें बुकिंग उसी समय मिली इस्कॉन की, तो इट्स ऑन 40। कितना मुश्किल है लोगों को सेलेक्ट करना, चूज करना, हाँ उसमें मेरी सहायता पूरी ये करते हैं, मैं इनसे सवाल करता हूँ कि भाई थोड़ी डिटेल मुझे बताइए, थोड़ी डिटेल बताते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब चुनाव करना मुश्किल इसलिए हो जाता है, जैसा कि एक बड़ी खूबसूरत बात है सुनील जी ने कही थी कि उनके अवार्ड में सचमुच से जन मतलब लगता है कि जेन्युइन ही अवार्ड दिया जाता है, कई बार कई अवार्ड ऐसे होते हैं यार उसको भी दे दो ऐसा नहीं, यहाँ पे सच में टैलेंटेड लोगों को दिया जाता है, हर फील्ड से चुना जाता है, उनका चुनाव बहुत जेन्युइन है, बहुत सही है, टफ है लेकिन जेन्युइन है। देखिए पत्रकार भाई हमेशा होते हैं, हम तो पत्रकारों के बिना हमारा अवार्ड फंक्शन होता नहीं, हम बात कर रहे हैं सम्मानित करते हैं, और हमेशा मैं क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, साउथ छोड़ के मैं सभी जगह, तो मेरे सभी जगह बहुत एम्पल ऑफ रिलेशंस है, और मैं आपको दिल से बोलूँ पत्रकारों जितना ताकतवर कोई नहीं है, और पत्रकारों जितना देखा जाए तो मतलब एम्प्टी हैंड कोई नहीं है, इतनी मेहनत होती है दिन से लेकर रात तक, फिर हम तो साल में 4-5 इवेंट करते हैं, आप लोग एवरी डे इवेंट करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ अखबार छापना इज़ नॉट इजी, तो मैं हमेशा अपने अवार्ड में हर स्टेट्स के कई मैं कोशिश करता हूँ कि स्वनाम धन्य अच्छे पत्रकारों को हम बुलाएं, और हम बुलाते हैं इस बार भी सदैव की भांति जर्नलिस्ट लोगों को हम लोग डेफिनेटली वहाँ हम लोग अवार्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।